संगीता, आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही निकाला। कौन हो तुम? कौन हूँ मैं? सागर? अरे तुम्हारा सागर? जी। कमाल करती हो तुम, तुमने मुझे पहचाना नहीं? नहीं। मजाक करने की आदत गई नहीं तुम्हारी? अरे तुम सागर हो या तालाब, यहाँ से जाते हो वरना पुलिस को बुलवा के तुम्हारे होश ठिकाने लगा। पुलिस होश ठिकाने? ये बोतल क्या हो गया तुमको? ऐसा खींच के थप्पड़ लगाऊंगी ना पूरा। थप्पड़ कौन है ये? अरे पता नहीं, कोई सड़क छाप मजनू लगता है। कहता है मैं इसकी संगीता हूँ और मैंने इसे शिमला बुलाया। बताओ ए मिस्टर, क्या नाटक है ये? ये नाटक नहीं, हकीकत है सिस्टर। और मैं कोई रोड साइड मजनू नहीं हूँ, मैं तो इनका मंगेतर हूँ। क्या मंगेतर? और नहीं तो क्या, इन्होंने मुझे अपने घर वालों की चोरी से यहाँ बुलाया ताकि मैं इनके साथ रह सकूँ। शराब, तुम पागल तो नहीं हो? पागल ही तो हूँ जो तुम्हारे प्यार की खातिर मैं यहाँ तक चला आया। पागल ही तो हूँ जो तुम्हारी तस्वीर को अपने सीने से 24 घंटे लगा के रखता हूँ। तस्वीर? हाँ, वही तस्वीर जो तुमने मेरे साथ जीने मरने की कसमें खाते हुए दी थी। देखो। अरे ये तो सपना तुम्हारी तस्वीर है। अब तो आप लोगों को यकीन आ गया ना कि ये मेरी ही संगीता है। देखिए मिस्टर सागर, मैं मानती हूँ कि मेरी शक्ल इस तस्वीर से काफी मिलती जुलती है, लेकिन मैं संगीता नहीं हूँ, मैं सपना हूँ। सपना नारंग? सपना? हाँ जी। ये कैसे हो सकता है, इतनी मिलती जुलती शक्ल? ए राम, मुझसे ये कैसी गलती हो गई है। मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ, मैंने आप लोगों को परेशान किया, मैं शर्मिंदा हूँ इस गलत फहमी के लिए। रहने दीजिए, कोई बात नहीं, आपकी जगह कोई और होता तो शायद यही गलती करता। Come on girls, चलो, चलो, चलो। मुझे क्या पता उसका ही कुछ। सुनिए, देखिए मैं यहाँ नया आया हूँ, टूरिस्ट हूँ ना। आपके पास गाड़ी है? मेरे पास ट्रांसपोर्ट नहीं है, अगर आप बुरा ना माने तो आप मुझे मार्केट छोड़ सकती हैं। वो मैं ठीक है।